हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईफाई श्री। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप भी बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और दोस्तों आगे की वेबसाइट जो है वो बिल्कुल भी लोड नहीं ले पा रही है या बिल्कुल भी चल नहीं पा रही है, बिल्कुल भी क्रैश हो चुकी है, इसको लेकर के दोस्तों बिहार के शिक्षा मंत्री को काफी ज्यादा मीडिया वालों ने घेर लिया है, जिसके लिए उनको मतलब अपनी बात ना रख पाने की वजह से उनको भागना पड़ा है। यहाँ पे फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप लोग फॉलो दिस लिंक, यहाँ पर मतलब इसको हम क्लिक करेंगे, उसके बाद देन दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। और जैसे दूसरे पेज पे पहुंचेंगे, यहाँ पे दोस्तों वेबसाइट की बात करेंगे ना, तो बिल्कुल भी लोड नहीं ले रही है या बिल्कुल भी क्रैश हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है अभी 2 से 3 दिन पहले क्या हुआ था, 2 से 3 दिन पहले क्या हो रहा था मेरे दोस्तों, कि लगभग 1 लाख भी आवेदन नहीं हुए थे, लेकिन अभी बीते 2 दिन में 2,45,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन हुए हैं, फाइनल जो सबमिट हुआ है वो अभी इससे संख्या कम ही है ना, इससे संख्या कम ही है जो फाइनल सबमिट वालों की है। और 2,45,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन मतलब रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिसमें से दोस्तों 7,000 जो आवेदन है वो रद्द हो चुके हैं। जी हाँ, 7,000 आवेदन जो है वो रद्द हो चुके हैं, और 3 दिन पहले भी 1 लाख भी आवेदन नहीं हुआ था, बट इधर अभी 2 दिन में 2,45,000 से ज्यादा स्टूडेंटों ने आवेदन किया। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इस वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है, इसी वजह से ये दोस्तों लोड नहीं ले पा रही है और ये क्रैश हो चुकी है, जिसको लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जो है वो काम पे अपने लगे हुए, क्योंकि इसका जो आईटी सेक्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप जाएंगे कॉन्टैक्ट अस पे, जाएंगे कॉन्टैक्ट अस पे, देख सकते हो नीचे आईटी सेक्शन का जो मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पे कॉन्टैक्ट करने पे अब तो फोन ही नहीं उठा, दोपहर में फोन उठा था, जिन्होंने इन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम शाम तक या रात तक जो वेबसाइट है उसको क्लियर कर देंगे, उसको वो फिर से चलने लगेगी। लेकिन दोस्तों आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपने अभी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रात में ट्राई करिए, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने फीस नहीं कट किया है। जी हाँ, जिन्होंने फीस तक नहीं कट किया है, बाकी चीजें उनकी हो गई हैं, यानी कि उनको फीस कट करके उनको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा, बस इतना ही उनका बचा हुआ है, तो वो दोस्तों रात में ट्राई करेंगे। जैसे वेबसाइट देख सकते हो कुछ इस प्रकार की आ रही, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, ठीक है, यानी कि वेबसाइट बिल्कुल चल ही नहीं है, टेम्परेरी डाउन बता रहा है इसका सर्वर, इसका सर्वर बिल्कुल भी मूव ही नहीं हो रहा है, और इस पर हम फिर से इसको रिफ्रेश करते तब भी वही सब चीजें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे काम इस पर चल रहा है। और अगर दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि क्या इसकी एग्जामिनेशन सॉरी इसकी ऑनलाइन जो आवेदन करने की लास्ट डेट जो आपकी 12 जुलाई है, क्या उसमें आपकी डेट बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, दोस्तों डेट बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते चले जा रहे हैं। अगर ये वेबसाइट बराबर ऐसे ही रही तो डिफिनेटली जो है आपके जो आवेदन करने की जो तिथि है वो बढ़ जाएगी। जी हाँ, आवेदन करने की जो तिथि है वो बढ़ जाएगी। और फॉर्म को आपके कैसे भरना है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म कैसे भरना, आप रात में ट्राई करिए, ठीक है, आवेदन कर लीजिए, उसके बाद रात में ट्राई करिए, मतलब ट्राई करते रहिए, जैसा भी है ट्राई करते रहिए। और यहाँ पे बात यही करेंगे, 7,000 से आवेदन जो है वो रद्द किया, जैसे रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दी गए 7,000 से ज़्यादा आवेदन, ठीक है। तो जैसे ही वेबसाइट चलती है आपको अपडेट किया जाएगा, इसी वजह से आपको पल पल का अपडेट दिया जा रहा है कि अभी भी वेबसाइट जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।